म्यूजिक कॉलेज गया भाई साहब डिग्री लेने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे मैं किसी की इज्जत क्यों करूँ, मैं घर पे सीख रहा था। वो मैथ्स की कोचिंग वाले बच्चे नहीं होते जो स्कूल में मैथ्स टीचर की इज्जत नहीं करते, जो आईटी की तैयारी कर रहे होते, वो मैं ही, बट म्यूजिक में मैं वहाँ क्लास में एंटर करता भी था ऐसे था, मैंने कहा सर कम इन कम इन, तो उसने बोला, उसने दो तीन बार तो कुछ नहीं बोला, चौथी बार उसने बोला, तो बोले तो हम क्या बोले कुछ में आए कहना है तो बोलो आप। मैं कहा ठीक है बात तो सही है कोई बात नहीं। एक दिन मैं ऐसे अपने दोस्त के साथ खड़ा था, अचानक से मेरे फोन पे फोन आया, नेहा नाम की एक लड़की थी, मेरी दोस्त थी एक, वो डिबेट का ये बंदा देखो नहीं हुआ क्या था मेरी आवाज में भी रोमांटिसिज्म नहीं था, बहुत फ्लैट टोन में मैंने बोला कि नेहा नाम की लड़की मेरी दोस्त थी, तुम्हें क्या मजा आ रहा है मुझे तुम लोग को क्या मजा आता है क्या करना है निकलना नहीं, मैं अपना देख लूंगा तुमको सबके लौंडे बनने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं दोस्त, मैं जीता हूं नॉर्मल जिंदगी, मेरा सही चलता रहता है इधर, रियलिटी देख लो भाई, मेरे चक्कर में खुद तनहा मत पड़ जाना पिघले तब जाके सकते हाँ तो नेहा नाम की लड़की थी, मुझे डिबेट में मिली थी, वो लड़की ना तो जो कोने में रहती है एकदम सुंदर होती है, चश्मा लगाती है और किसी से बात नहीं करती, उसका कॉल आ गया, ये क्यों कॉल कर रही है, क्या पता, मैं कहा हेलो, कहते नेहा कितनी जाकिर हाय कैसा है, इतनी वार्मथ, कह रही नहीं यार मुझे क्या होता ये उस्ताद मोहिद्दीन खान साहब तेरे कुछ लगते हैं क्या, ये कौन से सेगमेंट में बज का नाम हो गया, मैंने कहा क्यों, कहते पता ना तो कुछ लगता है क्या उनका, मैंने कहा मेरे दादा हैं पोता हूँ मैं उनका, कहते यार तुम लोग परसों भोपाल आ रहे हो ना, मैंने कहा आ रहे, कहते यार एक्चुअली मेरे पापा को ना सरंगी बजाने का शौक था और वो फोटोग्राफर थे और उनका बहुत नाम था, दो साल पहले उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उनके पास सारे बड़ी सरंगी प्लेयर्स की फोटो और ऑटोग्राफ है, बस एक तेरी दादू हैं जिनका डायरी में उनका नाम लिखा हुआ है, फोटो और ऑटोग्राफ नहीं है, तो तेरे दादू को तो मिलवा देगा क्या मेरे से, मेरे को अपने पापा की डायरी कंप्लीट करनी है, मैंने कहा हाँ कर देंगे इतना तो अपन कर ही सकते हैं, मैंने कहा हाँ मैं आता हूँ ठीक है, अब मैं आप गुड गाय हूँ, मैं फुल्ली मैं अपने आप को ग्रेट अमेजिंग बॉय, ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू हेल्प अ गर्ल, मैं उस मोड में चल रहा हूँ, घर पे पहुंचा वैसे कोई फंक्शन था फैमिली में है ना, तो कजिन ही कजिन इकट्ठे हुए, हमारे कजिनों बकचोदी बहुत चलती है, बकचोदी और क्रिकेट ये हमारा फोटे है, क्रिकेट खेल रहे, मैंने कहा आ जाओ बैठ देते उधर दो है ना, आप सब लोग बुड्ढे उड्ढे कोने बैठ के उधर के बात कर रहे होंगे ठीक है ना, इन्होंने वो और प्लास्टिक की बॉल से खेल रहे हम लोग, वो नहीं वो तो वो भारी वाला नियॉन ग्रीन कलर की बॉल, भारी भरकम बॉल ठीक है ना, उससे खेल रहे हम लोग, अब बाजी बैठे इधर लेफ्ट, तो बोले कि लेग में मत मारना, मैंने कहा ठीक है, इन्होंने फेंकी मेरे को फुल टॉस, मैं दियो सटाक इतना तेज मारा मैंने कि वो हवा में स्विंग हो गया, मैंने ऑफ में मारा था भाई बस स्विंग हो गया सीधे अब्बा जी के टकले पे टन से लगा, मैंने वही बैट छोड़ के अपना पूरा जीवन प्लान कर लिया, इस घर में अब रोटी नहीं मिलेगी, अब तो बर्तन मांज के ही बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, 2 बजे रात तक मैं वापस नहीं, पापा को कहा है तुम, मैंने कहा अब्बा सो गए क्या, बोला हाँ सो गए, आ जा जा, अगले दिन हमको भोपाल निकलना, भाई साहब अभी बात नहीं हो पाई अब्बा जी से, वो भी तो बोलना है कि वो लड़की मिलने आएगी है ना, कैसे बोलो सर, अगले का मूड खराब हो रहा, उनको याद नहीं क्यों खिड़की में ऐसे पकड़ के बैठा था वो ना कार में ऐसे पकड़ बैठा क्या, बस में हाथ चुको रिक्शा में बैठा क्या, मन करने बड़ा मूड खराब हुआ, गाड़ी में बैठे वापस मैं तो सरकास्टिकली बोला, मैंने कहा ये सीखना पड़ेगा अब्बा आपसे, पीछे आवाज भी आई थी निकाल,
एक्साइट हो गया। अप्पा जी को सरकाजम समझ नहीं है, उन्हें लगा कॉम्प्लीमेंट है। वो एक्सप्लेन ही करने लग गए कि मैं कैसे रहता हूँ। कह रहे बेटा क्या रहता है कि देख अपन कलाकार लोग हैं, हम किसी को हाथ लगाते नहीं है, गाल टच करते हैं क्या? नहीं ना, हम कुछ करते हैं और संगीत सुन के लोगों के कानों से आवाज जाती है और वो गदगद हो जाते हैं। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है, आमद होती है ना बेटा खुदा की तरफ से, तो उसका जादू है जो लोगों पे बरसता है। तो स्टेज के बाहर जब लोग अपने से मिलते हैं तो उस जादू से मिल रहे हैं, हमसे थोड़ी मिल रहा है बेटा। अब किसी को पता कि मेरा पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है, ऊपर वाले का जादू खराब होता है उससे, तो बेटा किसी को जादू खराब नहीं करते, समझा? तो जादू है बेटा ये सब। मैं कहा जादू को तो पता नहीं, दोगलापन जरूर है। मैंने पर ये वाला कहा नहीं, मैं रख लिया। तो मेन बात क्या है, देखो इससे काम है अपने को भी, अभी तक वो मेन बात हुई नहीं है कि भोपाल में हमें करना क्या है। तो मैंने लिया, लड़की भी आने वाली है ना, इसीलिए सब आपको इतना पसंद करते हैं। मस्का लगाना सीखो कोई। आदमी इतनी गलेबल कौम होती है ना। इतनी मासूम कौम है आदमी, आप उन्हें थूक लगा के कुछ भी तारीफ कर दो वो खरीद लेंगे। आप उन्हें छत से कूदवा सकते हो कि भाई क्या प्यारा कूदता है यार। मैं अब्बा जी को चढ़ा खूब, मैंने कहा अब्बा जी यार आपके जैसा इंसान नहीं देखा, इसीलिए सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तभी तो पता है, एक भोपाल के रहने वाले हैं, उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई, रामनारायण जी है ना, उनके शागिर्द थे वो, तो उनकी छोटी बिटिया है। अरे आदमी बहुत खराब है, रूमर्स फैला देगा, और किसी की तो छोटी बिटिया है ही। मैंने कहा वो आपसे मिलना चाह रही थी तो मैं बुला लूँ क्या? बोले हाँ हाँ बिल्कुल बुला लो, कोई बात नहीं, इतना चढ़ा के तो सब करवा सकते हैं। हम गए भोपाल भाई साहब, खाना वाना खाया हमने 4:30 बजे, 5 बजे 6 बजे टपक गए। देखो नींद लग भी उठी नहीं रहे, 7 बजे उठे भाई साहब, वही बेचारी मिलने शुरू हुई क्या? हाँ बेटा, अरे वजी तेरे बहुत अच्छा, बहुत प्यार से मिला बजी ना, सब बढ़िया सब बढ़िया। इतना झूठा आदमी है, मेरी बताई हुई इंफॉर्मेशन का नंगा नाच हो रहा है मेरी आवाज। क्या रामनाथ जी के शागिर्द थे? बोल 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 हाँ हाँ बोल, मिला हुआ मैं उज्जैन में, कालिदास समारोह, लोकेशन दे दी, प्रोग्राम बता दे। उसने बोला दादू अगर आप मिले होते तो फोटो होती ना? बोले फोटो है। मैंने कहा फोटो नहीं, मेरे को बीच में इंटरवीन करना पड़ गया कि मैं कहा तो फोटो अब हो जाएगी। इंदौर में बहुत चीजें करने को। बोली क्या है बता? मैंने कहा मॉल खुल गया है। मैंने कहा तो? बोले कैसा रहता मॉल? मैंने कहा पूरा एसी रहता है, पूरा पूरा एसी। अरे ये विशाल रचना भी क्या कर रहे हैं? वही है क्या? मन तो मेरे बोलू क्या? पर अगले के जमीन है बहुत सारी, मन का एक गुरु भी है सिखा भी रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा हाँ कहते नीचे हो, मैं क्या हुआ क्या नीचे हो? प्रॉपर कान में बोलेगा ना आदमी, अब कान में बोलेगा मतलब कि कुछ सीक्रेट बात है। इतनी जोर से कान में बोला है, 3 कमरों में आवाज आ जाए। नीचे बुला के मुझसे कह रहे हैं देख ध्यान से, कहीं बैंक वाली साइन तो नहीं हो गई। जैसे करके आ गए भोपाल से, आ गए अवार्ड अवार्ड लेके आ गए, एक अवार्ड मिल रहा था वो लेके आ गए। ठीक है सब बढ़िया, टीवी देख रहा हूँ अपना नॉर्मली। ठीक है, अकेला मैं हूँ, कोई नहीं घर में। ओ भाई मजा आ गया, पीछे से पापा है, थोड़ा सा थोड़ा। मैंने यार ये क्या हरकत, मैंने कहा क्यों हुआ? करो सुधर जाओ। पापा लोग कितनी वेग बातें करते, कहाँ सुधर जाऊँ, क्या मैं सुधर जाऊँ? लॉन्ग जंप में सुधर जाऊँ, हाई जंप में सुधर जाऊँ, पढ़ाई में सुधर
सुधर जाऊं, शूटिंग में सुधर जाऊं, मेरे में बहुत स्कोप है। आप डायरेक्शन तो दो भाई साहब, पहले सुधर जाओ, क्या होता है। उसमें से कोई एक आधी जगह बात बनती, उसमें भी नहीं बनती कई बार। कैसे बता दूं मैं, पता चला तुम सीता के लिए मार रहे हो, मैं गीता बोल दूं, सीता गीता दोनों के लिए बैठ जाऊं, पागल मार ही जाओ। कहते हमारे सामने जैसे रहते वैसे रहते, कम से कम हमारे बाप के सामने तो तमीज से रहा करो। बाप के सामने क्या किया? कहते शर्म नहीं आती है, रात को 2-2 बजे कमरे में लड़कियां बुलाती हूँ। चूंकि जब भी सो के उठते हैं इनके हिसाब से, बस गाइस आज के लिए भी यहाँ पे ही, सॉरी मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है यार, मेरे से हंसा नहीं जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहिए, और वो बेल आइकन भी दबा देना।